बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एजुकेशन फॉर ऑल फोरम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से फिज़िक्स क्लास 9th के लेक्चर नंबर 8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर हमारा 1 चल रहा है और उसका लेक्चर नंबर 8, जिसका टॉपिक है मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से डिस्कस कर रहे थे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि हमने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करना होते हैं, बेसिकली एक लेंथ, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लेंथ को मेजर करने के लिए या किसी चीज़ के डायमीटर को मेजर करने के लिए। अब हम जिक्र करने लगे हैं मैस को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं उनका। आप लोगों के पास मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर हम इनको इस्तेमाल करते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है और आप लोग किस तरह की मेजरमेंट उससे लेना चाह रहे हैं। तो कॉमनली यूज्ड जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वो आप लोगों के सामने मैंने उनका जिक्र किया है। वो आप लोगों के पास 4 हैं जो आपके सिलेबस के अंदर अवेलेबल हैं। उन 4 को हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। तो इनमें सबसे पहले को मैं नाम दे रहा हूं बीम बैलेंस का। अब जो बीम बैलेंस है, बीम और साथ उसके लफ्ज बैलेंस का इस्तेमाल हुआ है। सारे के सारे 4 जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब में आप लोग देख लें, पहले बीम बैलेंस है, फिर आप लोगों के पास फिजिकल बैलेंस है, 3rd नंबर पे आप लोगों के पास लीवर बैलेंस है, एंड फाइनली आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। तो वर्ड हम यहां पर बैलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैस को मेजर करने के लिए हम अपनी क्वांटिटी को, जिसका मैस हम मेजर करना चाह रहे होते हैं जिस चीज का, उसको हम कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड के साथ, और कंपेयर करने के लिए हम उनको करते हैं बैलेंस। कैसे बैलेंस किया जाता है आप लोग जरा यहां पर देखिए, 1 by 1 मैं इसको डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों के पास है बीम बैलेंस। ये एक ऐसा बैलेंस है जो पुराने वक्तों में इस्तेमाल हुआ करता था, जब हमारे पास ये जो बाकी बैलेंसेज है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। इसके 2 आप लोगों को पेन्स नजर आ रहे होंगे। कितने पेन्स हैं? 2 पलड़े हैं, 2 पेन्स हैं, जिनमें से एक पलड़े के अंदर हम उस चीज को प्लेस करते हैं जिसका हमने मैस मेजर करना होता है, जिसका हमने मैस मेजर करना होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक सिक्का है, 5 रुपए वाला या 10 रुपए का एक मेरे पास सिक्का है, मेटल कॉइन है, उसका मैस मेजर करना चाह रहा हूं, तो उसको मैं इस एक पलड़े के अंदर, एक पेन के अंदर रख दूंगा और उसको बैलेंस किया जाएगा कुछ स्टैंडर्ड मैसेज की मदद से, जिनको मैं प्लेस करूंगा इस पलड़े के अंदर। अब बैलेंस कैसे होंगे? जब दोनों पलड़ों में जो मौजूद मैसेज हैं, इधर तो हमने स्टैंडर्ड नोन मैसेज डालने हैं, वो मैसेज जिनका हमें पता है, स्टैंडर्ड है हमारे लिए, जो हमने डिजाइन ऑलरेडी किए हुए हैं, उनको हम इसमें प्लेस करेंगे। इधर हम अननोन जो कॉइन है उसको रखने लगे हैं, उसका मैस हमें पता नहीं है। तो जब इन दोनों के मैसेज इक्वल हो जाएंगे तो ये बीम हमें बता रही होगी कि ये दोनों पलड़े अब आ गए हैं इक्वल, एक दूसरे के बराबर हैं, यानी ये बैलेंस हो गए हैं, हमारा ये जो सिस्टम है ये एक तवाजुन के अंदर है। देन हम कह सकते हैं कि जो अननोन मैस था जिसको हम मेजर करना चाह रहे थे, वो इस नोन मैसेज जो हमने इसके अंदर प्लेस किए होंगे उसके इक्वल है, यानी वहां से हम उसकी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास पुराने जमाने में इस्तेमाल हुआ करता था, जिसको आज भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी इलाके में इस मॉडर्न एज के अंदर भी यूज किया जा रहा है। इसके बाद हमारे पास सेकंड है फिजिकल बैलेंस। स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर, मोस्टली लेबोरेटरीज के अंदर ये वाला इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होता है टू मेजर द मैस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का मैस मेजर करना हो तो ये जो फिजिकल बैलेंस है इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसके 2 पलड़े हैं, 2 पेन्स हैं, जिनको हमने यहां पर लटकाया हुआ है इन 2 हुक्स की मदद से। ये हमारी लगे हुए हैं हुक्स, एक हुक इधर है और दूसरा इधर। इन दोनों हुक्स की मदद से हमने इस लीवर के ऊपर हमने इनको लटकाया हुआ है, जिसके सेंटर में हमारे पास ये एक फुलक्रम मौजूद है, एक पिवट पॉइंट मौजूद है, जहां से हमें एक पॉइंटर नीचे जाता हुआ, जिसका ताल्लुक इस स्केल के साथ है, आपको नजर आ रहा होगा। ये हमारे पिलर्स हैं जिसके ऊपर इस सारे सिस्टम को हमने यूं एडजस्ट किया होता है, लटकाया होता है। अब इसमें
जब इसको रखा जाता है एक प्लेस के ऊपर, एक जगह के ऊपर, तो सबसे पहले तो हमने ये चीज देखना होती है कि हम इसको जहां प्लेस कर रहे हैं वो एक प्लेन जगह है और उसका लेवल बराबर होना चाहिए। अगर लेवल में कोई कमी बेशी रह गई हो तो हम यहां पर नीचे लगे हुए लेवलिंग स्क्रूज की मदद से इसका लेवल बराबर कर सकते हैं। यहां पर अरेस्टमेंट नॉब लगी होती है जिसकी मदद से हम इन दोनों पलड़ों को ऊपर उठा के चेक करते हैं कि क्या हमारे दोनों पलड़े बिफोर मेजरमेंट्स, मेजरमेंट लेने से पहले क्या वो तवाजुन में है। कैसे पता चलेगा? इस अरेस्टमेंट नॉब को घुमाते हैं हम, ये दोनों पलड़े ऊपर उठेंगे और पता चलेगा अगर तो हमारा पॉइंटर जीरो पे ही रहेगा इन पलड़ों को उठाने के बाद भी, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे जो दोनों पलड़े हैं, दोनों पैंस हैं, वो लेवल के ऊपर हैं। अगर इन पैंस के लेवल में कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो उसको हम इन बैलेंसिंग स्क्रूज की मदद से, ये हमारे लगे हुए बैलेंसिंग स्क्रूज, इनकी मदद से हम इनको पलड़ों को बैलेंस कर सकते हैं। बिफोर मेजरमेंट हमारा ये जो पॉइंटर है इसको जीरो के ऊपर होना चाहिए, ये जो स्केल के ऊपर आप लोगों के सामने जीरो मेंशन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके दो पलड़े हैं, एक इसका लेफ्ट पैन है, एक इसका राइट पैन है। हमने जो चीज मेजर करना होती है वो नॉर्मली इसके लेफ्ट पैन के अंदर रख दी जाती है और फिर इस पैन के अंदर हम नोन मैसेज जो हमें स्टैंडर्ड के तौर पर अवेलेबल होंगे वो हम रख देंगे और इसको करेंगे कंपेयर। जैसे ही आप लोगों ने इस पलड़े में कोई शेयर रखनी है और फिर इधर आप लोगों ने नॉन मैसेज रखने हैं, इस दोनों पलड़ों को उठा के आप लोग देखिएगा कि पॉइंटर की पोजीशन क्या है। आप लोग इन पलड़े, इस पलड़े के अंदर, इस पैन के अंदर मौजूद मैसेज को चेंज करेंगे, वेरी करेंगे इस, और ऐसी कंडीशन फाइंड आउट कर लेंगे जब आपका पॉइंटर इस जीरो पे आ जाएगा, यानी दोनों पलड़ों को आप लोगों ने करना है बैलेंस। जब ये दोनों पलड़े बैलेंस हो जाएंगे तो आप लोगों ने इस पलड़े के अंदर, इस पेन के अंदर मौजूद मैसेज को निकाल के नोट कर लेना है। वो आप लोगों की रीडिंग होगी अननोन मैस की, जिसको आप मालूम करना चाह रहे थे। तो ये आप लोगों के पास है फिजिकल बैलेंस। थर्ड वन हमारे पास है लीवर बैलेंस, जो एक लीवर के सिस्टम पर मुश्तमिल होता है, जिसमें अगेन दो पलड़े होते हैं, अगेन दो पैंस होते हैं, जिसके अंदर हम एक में वो शेयर रख देते हैं जिसका मैस हमने मेजर करना होता है और दूसरे में हम नॉन मैसेज हम वेट्स रखते हैं जिसकी मदद से हमने इन बैलेंसेस को बैलेंस करना होता है। तो इसके सेंटर में भी यहां आप लोगों को एक पॉइंटर से नजर आ रहा होगा, जब इस एक पलड़े में आप लोग अननोन मैस डालेंगे तो ये आपका पॉइंटर अपनी इस जीरो पोजिशन से हट जाएगा। हमारा जो पहले बैलेंस था, जो ये पॉइंटर जीरो पे है, ये शो करता है कि ये जो लीवर सिस्टम है ये बैलेंस में है। जब अननोन मैस इसके अंदर डालेंगे तो ये पॉइंटर जीरो से हिलेगा, आपका जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, पॉइंटर अपनी जगह पर मौजूद नहीं रहेगा। अब आप लोगों ने इन दोनों पलड़ों को करना है बैलेंस, दोनों पैंस को करना है बैलेंस। कैसे? इसके अंदर आप लोग अननोन मैसेज डालेंगे और उनको वेरी करेंगे, चेंज करके वो वाली पोजिशन फाइंड आउट करेंगे जब आपका पॉइंटर जीरो के ऊपर हो जाएगा। जब ये पॉइंटर जीरो के ऊपर हो जाएगा तो उस वक्त आपके इन दोनों पैंस के अंदर मौजूद जो मैसेज हैं वो इक्वल होंगे और आप लोग उन स्टैंडर्ड मैसेज को निकाल के रीडिंग नोट कर लेंगे कि हमने जिस जिस्म की वैल्यू, मैस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी उसका मैस इतना है। उसके बाद चौथे नंबर पर आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, जिसका एक मैंने छोटा सा जो खाका है वो ड्रॉ किया है। आप लोग देख रहे हैं इसके यहां फ्रंट पे वैल्यू शो होती है डिजिट्स के अंदर। ये आपके पास इसका ऊपर वाला हिस्सा है जिसके ऊपर आपने उस अननोन मैस को रखना होता है जिसकी वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अब इस बैलेंस को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है इस एज के अंदर, अब जिस मॉडर्न एरा के अंदर हम रह रहे हैं, सबसे ज्यादा और कॉमनली यूज्ड होने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। एक तो इसका इस्तेमाल आसान है, दूसरा इसकी मदद से जो हमारी मेजरमेंट है वो ज्यादा प्रिसाइज है और एक्यूरेट होती है दूसरी बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के मुकाबले में। अब इसमें आप लोग देखें, सबसे पहले इस बैलेंस को इस बटन की मदद से जो मैंने ऑन या ऑफ से शो किया, हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इसकी जो ऑलरेडी रीडिंग यहां पर शो हो रही होती है उसको इस रीसेट बटन की मदद से जीरो कर दिया जाता है। रीसेट बटन प्रेस करेंगे, बटन प्रेस करेंगे तो इसकी जो रीडिंग आ रही होगी वो सारी जीरो जीरो हो जाएगी। मीन्स अब आपका बैलेंस नए तरीके से स्टार्ट हो गया, रीसेट हो गया है, अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे। अब उस शेयर का मैस जिसका आप लोगों ने मेजर करना है वो इसके ऊपर रख दें सिंपली। जैसे उस चीज को आप लोग इस पेन के ऊपर यहां पर प्लेस करेंगे तो यहां पर रीडिंग शो होना शुरू हो जाएगी। जो रीडिंग डिजिट्स के अंदर इसके सामने शो हो रही होगी वही रीडिंग हमारे पास होगी इस
मैस की रीडिंग जिसको हम मेजर करना चाह रहे होंगे, और वो रीडिंग्स आपके पास इस ये जो इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है मुख्तलिफ रेंजेस के अंदर शो हो सकती है। आप लोग इसको ग्राम रेंज में भी शो कर सकते हैं, मिलीग्राम रेंज के अंदर भी शो कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, मींस मुख्तलिफ रेंजेस के अंदर ये अवेलेबल हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास चार बैलेंसेस थे जिनको हम इस्तेमाल करते हैं टू मेजर द मैस ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का मैस हमने मेजर करना हो तो उसके लिए ये चार इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है कि इनमें से सबसे ज्यादा अच्छा और एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। इसको चेक करने के लिए हम किसी एक ऑब्जेक्ट का मैस मेजर करके उसकी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट का मैस मेजर करें और मेजर करें इन चारों इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से, तो सबसे ज्यादा और प्रिसाइज मेजरमेंट, सबसे ज्यादा अच्छी और प्रिसाइज मेजरमेंट हमें यह इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस देगा, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट सबसे कम होता है। तो आप लोगों के पास ये थे चार इंस्ट्रूमेंट्स जिसको हमने बारी बारी ब्रीफली डिस्कस किया है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आपसे कोई भी इनमें से कोई एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, बीम बैलेंस के हवाले से पूछा जा सकता है, या मोस्टली क्वेश्चन आता होता है डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, फिजिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के दरमियान वो फर्क पूछ रहे होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें से। तो ये आप लोग चारों बैलेंसेस ब्रीफली थोड़े से स्टडी करेंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, इनका इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। अब बाकी बात आती है इनकी प्रॉपर वर्किंग की, वो आपका एक एक्सपेरिमेंटल वर्क है, उसको हम एक्सपेरिमेंट्स के पोर्शन के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए ये हमारा लेक्चर इतना ही होगा जिसमें हमने इन चार इंस्ट्रूमेंट्स को ब्रीफली स्टडी किया है। लेक्चर नंबर 8 हमारा एंड हुआ। आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई बात पूछनी हो, तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर जा सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग ये मेरा लेक्चर पसंद करेंगे। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल फोरम, और हम डिस्कस करने लगे हैं फिज़िक्स क्लास 9th का लेक्चर नंबर 9, जिसमें आप लोग दो चीज़ों के बारे में सीखेंगे, एक स्टॉपवॉच और सेकंड थिंग हमारे पास है मेजरिंग सिलेंडर। तो आप लोग बात कर रहे थे मेजरमेंट्स की इस चैप्टर के अंदर, जिसमें आप लोगों ने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र किया कि जब हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना चाह रहे होते हैं तो उसकी मेजरमेंट के लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जिनमें आप लोगों ने सबसे पहले लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, उसके बाद आप लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, और आज आप लोग दो मजीद इंस्ट्रूमेंट्स स्टडी करने लगे हैं, जिनमें से एक स्टॉपवॉच और सेकेंड वन हमारे पास है मेजरिंग सिलेंडर। स्टॉपवॉच, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, आप लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं टाइम को मेजर करने के लिए। स्टॉपवॉच, जब आप लोगों ने मेजर करना होता है टाइम किसी भी इवेंट का, कि एक हमारे पास इवेंट है उसका दौरानिया हम मेजर करना चाह रहे हैं कि इतना है, उसके लिए आप लोग इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपके पास दो इवेंट्स हैं, दो वाकयात हुए हैं, उनके दरमियान आप लोग टाइम की पैमाइश करना चाह रहे हैं कि कितना वक्त गुजरा है, या आप देखना चाह रहे हैं कि एक रनर है, एक खिलाड़ी है, वो दौड़ लगाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए, उसने कितना टाइम लिया है, तो उसके टाइम को मेजर करने के लिए उसके स्टार्ट और एंड पॉइंट के दरमियान टाइम कितना उसने कंज्यूम किया है, उसको मेजर करना चाहें तो आप लोग ये स्टॉप वॉच इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम जरा जिक्र कर रहे हैं किसका भला, स्टॉप वॉच का। ये जो स्टॉप वॉच होती है ये नॉर्मली हमारे पास दो तरह की होती है। एक को हम नाम देते हैं मैकेनिकल स्टॉपवॉच, मैकेनिकल स्टॉपवॉच, और जो सेकंड वन होती है वो आप लोगों के पास होती है डिजिटल स्टॉपवॉच, डिजिटल स्टॉपवॉच। तो दो तरह की स्टॉपवॉच है जिसका मैंने यहां पर जिक्र किया है। एक आपके पास है मैकेनिकल स्टॉपवॉच और दूसरी डिजिटल स्टॉपवॉच है।
ये जो मैकेनिकल स्टॉपवॉच है इसको आप मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आप इसको पावर प्रोवाइड करते हैं, इसके अंदर जो स्प्रिंग लगा होता है उसको एम्पावर करने के लिए इसको वाइंड करते हैं। मींस सादा अल्फाज में हम अगर उर्दू में बात करें तो हम कहते हैं कि इसको हमें चाबी देना पड़ती है, जिस तरह बच्चों के खिलौने होते हैं ना, उनको चाबी देकर फिर छोड़ा जाता है और वो आगे गाड़ियां वगैरह चलना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें हमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है और ये फिर वर्क करती है स्टॉपवॉच। जबकि ये वाली स्टॉपवॉच डिजिट्स के अंदर हमें वक्त मैयर करके देती है, टाइम मैयर करके देती है, और ये डिजिटल है, इसको हम किसी सेल की मदद से चला रहे होते हैं। अब इसमें जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है ये नॉर्मली आपके पास एक सेकंड के दसवें हिस्से तक, यानी 1/10 सेकंड, यानी 0.1 सेकंड तक टाइम मैयर कर सकती है। नॉर्मली जो हमारे पास घड़ियां होती हैं, वॉच जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं टाइम देखने के लिए, वो एक सेकंड तक कम से कम हमें पैमाइश दे रही होती है उनकी। एक तो, या अगर आपके पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच है तो उसमें वो जो निडल है उसकी सेकंड्स के हिसाब से घूम रही होगी, या फिर डिजिट्स में आपके पास सेकंड्स शो हो रहे होते हैं। लेकिन ये जो स्टॉप वॉच आप लोग इस्तेमाल करते हैं लेबोरेटरीज के अंदर दो इवेंट्स के दरमियान टाइम मेजर करने के लिए, वो कम से कम आपके पास 0.1 सेकंड, यानी एक सेकंड के दसवें हिस्से तक पैमाइश देने की अहल होती है मैकेनिकल स्टॉप वॉच। जबकि डिजिटल स्टॉपवॉच आपके पास एक सेकंड के 100वें हिस्से तक, 1/100 सेकंड मींस 0.01 सेकंड तक ये पैमाइश हमें दे सकती है। तो ये थी आपके पास दो स्टॉपवॉच, एक मैकेनिकल और डिजिटल स्टॉपवॉच। अब नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन आता है, एक क्वेश्चन बना हुआ है और उसका आंसर भी आप लोगों के पास मौजूद है, हाउ टू यूज अ स्टॉपवॉच। हम कह सकते हैं How to use a stopwatch? हम stopwatch को कैसे इस्तेमाल करते हैं? अब जब इसकी बात आती है How to use a stopwatch? आप लोग चूंकि देख रहे हैं कि हम दो तरह की stopwatch का जिक्र कर रहे हैं, एक mechanical stopwatch और एक digital stopwatch। तो हम दोनों की अलग अलग working यहां पर briefly describe करेंगे। तो कैसे हम इस्तेमाल करते हैं एक स्टॉप वॉच को, हाउ टू यूज अ स्टॉप वॉच। इसमें जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है ना, इसमें एक लगी होती है नॉब जिसको हम घुमा के इसको पावर मुहैया करते हैं। जब इसको पावर मुहैया कर दी, इसके स्प्रिंग को हमने वाउंड कर दिया, तो उसके बाद अब अगला पोर्शन है कि इसको हमने कैसे चलाना है। हम इसके ऊपर जो बटन लगा होता है उसको एक बार प्रेस करते हैं तो ये जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है ये चल पड़ती है, इसकी नीडल जो है वो घूमना शुरू कर देती है और अपने टाइम को शो करती है इवेंट्स के दरमियान। किसी भी वाक्या का, हम किसी भी इवेंट का टाइम हम नोट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये चल पड़ती है जब हम एक बार बटन को प्रेस करते हैं। जब हमने इसको स्टॉप करना होता है तो हम उसी बटन को अगेन प्रेस करते हैं और ये स्टॉप वॉच रुक जाती है और हम उसकी रीडिंग को मेजर कर लेते हैं। अब एक इवेंट का टाइम हमने मेजर कर लिया, स्टार्ट किया, चलने लग गई स्टॉप वॉच, और उसके बाद जब इवेंट एंड हुआ हमने दोबारा उसी बटन को प्रेस किया, स्टॉपवॉच रुक गई है, हमने इवेंट का टाइम मेजर कर लिया। अब दूसरे इवेंट का टाइम मेजर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारी जो स्टॉपवॉच है ना, इसको रीसेट होना चाहिए, यानी अपनी पहली ओरिजिनल पोजीशन पे इसकी नीडल जीरो वैल्यू पे आनी चाहिए। तो उसके लिए हम उसी बटन को थर्ड टाइम प्रेस करते हैं, तीसरी बार प्रेस करते हैं, जैसे ही प्रेस करेंगे तो इसकी जो नीडल है वो वापस अगेन जीरो वैल्यू पे आ जाएगी, यानी अब हमारी जो स्टॉप वॉच है वो क्या हो गई है, रीसेट हो गई है। तो ये है वर्किंग किसकी बला, सिंपल सी वर्किंग है इस मैकेनिकल स्टॉप वॉच की। अब हम बात करते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच की। जब डिजिटल स्टॉप वॉच की बात की जाती है तो इसके ऊपर दो तरह के बटन लगे होते हैं, एक बटन के ऊपर ऑन ऑफ लिखा होता है और दूसरे बटन के ऊपर लिखा होता है रीसेट। अब सबसे पहले ऑन या ऑफ बटन जो है उसको प्रेस करते हैं तो ये स्टॉप वॉच चल पड़ती है और टाइम को शो करने के लिए अपनी रीडिंग ये जाहिर कर रही होती है जिस इवेंट का हम टाइम मेजर कर रहे होते हैं। अब इवेंट स्टार्ट हुआ तो आप लोगों ने ऑन ऑफ बटन प्रेस किया, स्टॉप वॉच चलना शुरू हो गई। अब जैसे ही इवेंट एंड होगा आपने अगेन ऑन या ऑफ बटन को प्रेस करना है, स्टॉप वॉच रुक जाएगी। रुकने के बाद उसकी जो स्क्रीन होगी उसके ऊपर रीडिंग शो हो रही होगी, वो आप लोगों ने रीडिंग नोट कर लेनी है, वो उस
इवेंट का ड्यूरेशन है, टाइम है, जो आप लोग नोट करना चाह रहे थे। अब नेक्स्ट इवेंट के लिए आप लोगों ने दोबारा से किसी और इवेंट की रीडिंग लेनी है, तो उसके लिए पहले इस स्टॉपवॉच को रीसेट करना पड़ेगा, बिल्कुल मैकेनिकल स्टॉपवॉच की तरह। तो इसमें ऑन ऑफ बटन के साथ एक रीसेट बटन लगा होता है, आप रीसेट बटन को प्रेस करेंगे तो इसकी रीडिंग 00 हो जाएगी, मींस अब स्टॉपवॉच रीसेट हो गई है। आप नेक्स्ट किसी और इवेंट का टाइम मेजर करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन था सिंपल सा स्टॉपवॉच के हवाले से। तो हम क्या करते हैं, स्टॉपवॉच को इस्तेमाल करते हैं इवेंट्स का टाइम मेजर करने के लिए, टाइम ड्यूरेशन काउंट करने के लिए। तो उसके लिए दो तरह के स्टॉपवॉच हम इस्तेमाल करते हैं, एक मैकेनिकल स्टॉपवॉच है, दूसरी डिजिटल स्टॉपवॉच है। मैंने इनके लीस्ट काउंट्स भी यहां पर बताए हैं। ये बेसिकली मैकेनिकल स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट है, जबकि ये डिजिटल स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट है। 0.1 सेकंड मैकेनिकल स्टॉपवॉच का, जबकि 0.01 डिजिटल स्टॉपवॉच का लिस्ट काउंट है। और फिर मैंने इसकी वर्किंग बताई है 1/1 दोनों की। तो ये दोनों लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से कोई क्वेश्चन में पूछ सकता है कि स्टॉपवॉच क्या होती है, तो आप लोग स्टार्ट में जो मैं बता रहा था कि स्टॉपवॉच दो तरह की होती है, इसको वक्त मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इतना इतना टाइम ये कम से कम नोट करवा सकती है हमें, तो वो आप लोगों ने लिख देना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, हाउ टू यूज अ स्टॉपवॉच, आप लोग स्टॉपवॉच कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए आपके पास क्वेश्चन भी बुक के अंदर बना बनाया और उसके नीचे आंसर मौजूद है, जिसको मैंने बारी बारी दोनों स्टॉपवॉच के लिए मैंने बयान किया है कि हम मैकेनिकल स्टॉपवॉच को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर डिजिटल स्टॉपवॉच को। तो ये था आपके पास एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन स्टॉपवॉच के हवाले से। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स अ मेजरिंग सिलेंडर। जब हम मेजरिंग सिलेंडर की बात करते हैं तो ये सिलेंडर एक या तो बना होता है ग्लास का, शीशे का बना होता है, या फिर बना होता है प्लास्टिक का। ग्लास का भी बना हुआ हो सकता है, प्लास्टिक का भी बना हुआ हो सकता है, और ये ट्रांसपेरेंट ग्लास या प्लास्टिक शफाफ अजसाम होते हैं। ये जो सिलेंडर हैं, ये प्लास्टिक या ग्लास, उनके शफाफ अजसाम से ये बने होते हैं। अब इसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है, इस मेजरिंग सिलेंडर को हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज का वॉल्यूम मालूम करने के लिए। अब ये जो वॉल्यूम है मेजरिंग सिलेंडर की मदद से जो मालूम करते हैं, ये वॉल्यूम आप लोगों के पास किसी लिक्विड का भी हो सकता है या फिर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है। ऐसा सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसको आप किसी भी लिक्विड के अंदर डिप करें और वो उसके अंदर डिसॉल्व ना हो सके, आप लोग उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम भी इस सिलेंडर की मदद से मालूम कर सकते हैं। वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये मेजरिंग सिलेंडर, और इसकी मदद से हम किसी भी लिक्विड का, हमारे पास वाटर है, मिल्क है, या कोई ऑयल है, पेट्रोल वगैरह, या अल्कोहल है वगैरह वगैरह, उनका वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर इसकी मैं बात करूं कंस्ट्रक्शन की, तो ये जो मेजरिंग सिलेंडर होता है ना, इसके ऊपर जो स्केल बना होता है वो इसकी लेंथ के अलोंग होता है, अलोंग इट्स लेंथ, जस्ट लाइक दिस इसका स्केल बना होता है, जिसको हम यूं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखते हैं ऐसे। ये आप लोगों के पास एक सिंपल सा मेजरिंग सिलेंडर है ऐसे। अब इस मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर जो निशानात लगे हुए हैं, मैंने कहा है कि वो अलोंग दी लेंथ लंबाई के रुख में लगे होते हैं, और नॉर्मली इसके ऊपर जो निशानात लगे होते हैं, जो इसकी स्केलिंग की हुई होती है, वो मिलीलीटर्स में होती है, जस्ट लाइक दिस। मैं यहां पर चंद एक जो रीडिंग्स हैं वो शो करता हूं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास 100 ml, 200 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml एंड 600 ml एंड अप टू 100। ये आप लोगों को ऑलमोस्ट 0 ml से 600 ml तक, जो मैंने इस वक्त आपके सामने शो किया है, ये वैल्यू दे सकता है, वॉल्यूम मेजर करके दे सकता है। लेकिन नॉर्मली हमारे पास जो हम मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, उनकी रेंज होती है ऑलमोस्ट 100 ml से लेकर 2500 ml तक ये गुंजाइश रखते हैं, इतना वॉल्यूम ये मेजर करके हमें
दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो मैंने क्या बताया कि ये वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है, इसमें अलॉन्ग दी लेंथ हमने स्केलिंग की हुई होती है, निशानात लगाए हुए होते हैं मिलीलीटर्स के अंदर, और ये तकरीबन 100 मिलीलीटर से 2500 मिलीलीटर तक हमें पैमाइश दे सकते हैं। और इसके लिए इसको हम किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी लिक्विड का वॉल्यूम मालूम करने के लिए, या फिर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट का, किसी पाउडर का वॉल्यूम भी इसकी मदद से मालूम किया जा सकता है। अब पाउडर का वॉल्यूम कैसे मालूम किया जा सकता है या एक सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मालूम कैसे किया जा सकता है, सबसे पहले तो इसके अंदर एक हमने लिक्विड भर देना होता है एक खास लेवल तक। फॉर एग्जाम्पल हम इसके अंदर वाटर फिल कर लेते हैं 400 ml तक। उसके बाद हमने जिस सॉलिड का वॉल्यूम मालूम करना होता है वो इसके अंदर करते हैं डिप। जैसे ही वो इसके अंदर डिप होगा तो इसका जो लेवल पहले मौजूद था वो थोड़ा सा अप हो जाएगा। कितना लेवल ऊपर इसका उठ रहा है हमने वो लेवल चेक कर लेना है, और वही रीडिंग हमारी जो फाइनल होगी उसमें से पहले वाली रीडिंग हमने माइनस करनी है तो हमें उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम पता चल जाएगा। हमने सिर्फ देखना है कि पहले जो माय इसके अंदर मौजूद था जब तक हमने सॉलिड ऑब्जेक्ट इसके अंदर डिप नहीं किया था उसका तब लेवल कितना था, तब उसका वॉल्यूम कितना था। अब सॉलिड ऑब्जेक्ट जब हम उसके अंदर डिप कर रहे हैं उसके बाद उसका वॉल्यूम कितना हो रहा है, दोनों वॉल्यूम्स का हम फर्क लेके देख सकते हैं कि हमारे पास जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम कितना हो सकता है। अब अगली बात इसके अंदर आती है, हमें अभी तक तो इतना पता चल गया कि मेजरिंग सिलेंडर है क्या। अब हम ये देखते हैं कि ये जो मेजरिंग सिलेंडर है इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, यानी दो हमने चीजें और स्टडी करना है यहां पर। एक तो हम देखेंगे हाउ टू यूज अ मेजरिंग सिलेंडर, हाउ टू यूज अ मेजरिंग सिलेंडर। एक पोर्शन हमारे पास ये बनेगा और सेकंड पोर्शन के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हमें किसी इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मालूम करना हो तो वो हम मेजरिंग सिलेंडर की मदद से कैसे मालूम कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट, हम किसी इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैसे मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखा है मेजरिंग सिलेंडर होता क्या है। अब दूसरे पोर्शन में हम ये देखने जा रहे हैं कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ दो चीजों का आप लोगों ने माइंड में रखना है, दो चीजों को आप लोगों ने नोट करना है। सबसे पहली चीज कि जब आप लोगों ने इस मेजरिंग सिलेंडर को रखना है किसी सरफेस के ऊपर वॉल्यूम मेजर करने की गर्ज से, तो आप लोगों को इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि जिस सरफेस के ऊपर हम इसको रखने लगे हैं वो सरफेस बिल्कुल प्लेन है, वो सरफेस प्लेन है, उसमें कोई उतार चढ़ाव मौजूद नहीं है, यानी इसका लेवल नीचे से बिल्कुल एक होना चाहिए, इसके लेवल में कोई नीचे से फर्क नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, जब हम इसकी मदद से वॉल्यूम नोट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक माय है, फॉर एग्जाम्पल वाटर की ये बात कर लेते हैं हम, इसके अंदर हमने वाटर फिल किया है और वाटर फिल कर रहे हैं, लेट्स से मैंने यहां तक इसके अंदर पानी जो है वो भर दिया है। अब इसकी रीडिंग जब हम नोट करने लगते हैं ना, तो इस जो लिक्विड हमने इसके अंदर फिल किया हुआ है उसकी जो सरफेस है उसको नोट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लिक्विड जो हम सिलेंडर के अंदर फिल करते हैं उनकी जो सरफेस है ना, उसकी सरफेस के ऊपर हमें एक हिलाली सतह नजर आती है, मेनिस्कस नजर आती है। मोस्टली जो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं उनकी ये जो ऊपर वाली सरफेस है हमें डाउनवर्ड नीचे की तरफ कर्व्ड शेप में नजर आती है, यानी बाहर से हम देखें ना हमें लगता है जैसे नीचे अंदर म्यान से ये जो सरफेस है ना इस लिक्विड की वो अंदर की तरफ दबी हुई है, मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन की, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर्व्ड हुई हुई है। जबकि एक लिक्विड हमारे पास ऐसा भी है जिसको हम मरकरी का नाम देते हैं, उसकी जो सरफेस होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में कर्व्ड होती है, दरमियान से उभरी हुई होती है। अब ये जो एक हिलाली सतह बन रही है, मेनिस्कस बन रही है इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर, इस सतह के ऊपर, ये हमारी रीडिंग के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब इस प्रॉब्लम को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, वो इस तरह से कि जब भी हमने इसकी रीडिंग नोट करना होगी तो रीडिंग नोट करते हुए हमने
जो अपनी आंख है उसको बिल्कुल यहां 90 के एंगल पर रखना है। हमने जब इसको नोट करना है ना रीडिंग को, हम अपनी आंख को बिल्कुल उस सरफेस के जहां पर इस लिक्विड की जो सतह है उसके साथ हम 90 के एंगल पर अपनी आंख से इस रीडिंग को नोट करेंगे। अगर हम इस रीडिंग को इस लेवल से ऊपर या नीचे से नोट करते हैं तो फिर हमें वो जो मेनिस्कस है, इसकी सरफेस है, हिलाली सतह है, वो हमारे लिए रीडिंग में कमी बेशी ला सकती है, हमारी रीडिंग मोर एक्यूरेट नहीं होगी। तो हम चाहते हैं कि जितनी रीडिंग एक्यूरेट हो उतना ज्यादा हम इस चीज को मद्देनजर रखेंगे कि हमने जब इसकी रीडिंग नोट करनी है तो हमारी आंख बिल्कुल इस सरफेस के साथ 90 के एंगल पर होनी चाहिए। आखिरी चीज कि हम इसकी मदद से किसी इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का हम वॉल्यूम कैसे मालूम कर सकते हैं। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं शेप के एतबार से, कुछ ऑब्जेक्ट्स की शेप्स होती हैं रेगुलर, यानी उनकी खास विड्थ होती है, स्पेसिफिक उनकी लेंथ होती है, स्पेसिफिक उनकी थिकनेस होती है। अब उनकी विड्थ, लेंथ और थिकनेस की मदद से आप लोग वॉल्यूम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए किसी मेजरिंग सिलेंडर की आपको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप लोगों के पास एक इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है, बेढंगी शक्ल का जिस्म है, जिसकी ना तो कोई प्रॉपर लेंथ है, ना प्रॉपर उसकी विड्थ है, ना कोई उसकी प्रॉपर थिकनेस है, यानी कहीं से उसकी थिकनेस ज्यादा है, कहीं कम है, एक साइड के उससे उसकी विड्थ ज्यादा है, एक साइड से कम है, तो ऐसे इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हम मेजरिंग सिलेंडर की मदद से मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करते हैं? उसका मालूम करने का तरीका कार्य है कि सबसे पहले हम एक मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं, उसको हम एक हमवार सतह के ऊपर, प्लेन सरफेस के ऊपर रखते हैं और उसमें हम कोई माय भर लेते हैं एक खास लेवल तक। वो माय कॉमनली हम वाटर उसके अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि हमें इजीली अवेलेबल जो लिक्विड है, माय है, वो हमारे लिए क्या है, वाटर। हम इसके अंदर वाटर फिल कर लेते हैं एक खास लेवल तक और फिर उसका इनिशियल वॉल्यूम नोट कर लिया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं वी आई का, इनिशियल वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम हम नोट करते हैं? इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम नोट करने के बाद नेक्स्ट काम हम क्या करते हैं? हम वो ऑब्जेक्ट जिसका इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट जिसका हमने वॉल्यूम मेजर करना होता है वो आके इसके अंदर डिप कर देते हैं। जैसे ही हम डिप करेंगे तो इसका लेवल बुलंद होगा, यानी अब इसके वॉल्यूम में एक इंक्रीज आ जाएगा, वो वॉल्यूम नोट कर लिया जाएगा एज वी एफ, जिसको हम नाम देंगे फाइनल वॉल्यूम का। अब दो वॉल्यूम हमने नोट कर लिए, एक वो वॉल्यूम जब हमने इसके अंदर ऑब्जेक्ट को डिप नहीं किया, यानी ऑब्जेक्ट डिप करने से पहले हमने लिक्विड का वॉल्यूम नोट कर लिया और फिर ऑब्जेक्ट डिप करने के बाद अगेन लिक्विड का वॉल्यूम हमने नोट किया, वो फाइनल वॉल्यूम हुआ। अब दोनों वॉल्यूम्स के अंदर एक डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस वी एफ माइनस वी आई नोट किया जाएगा और वो जो डिफरेंस है एक वॉल्यूम की शक्ल में हमारे सामने आएगा। इस डिफरेंस को हम नाम देंगे क्या भला, कि ये है वॉल्यूम ऑफ इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट। हमने उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया जिसकी शेप इररेगुलर थी और हम उसको आर्म लेंथ, विड्थ या थिकनेस की मदद से हम उसका वॉल्यूम मालूम नहीं कर सकते। तो ये था हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर। हमने दो चीजें यहां पर डिस्कस की हैं, स्टॉपवॉच। सबसे पहले हमने देखा कि स्टॉपवॉच होती क्या है, दो तरह की होती है। फिर हमने देखा कि इसको हम यूज कैसे करते हैं। फिर हम मेजरिंग सिलेंडर की तरफ आए तो उसमें हमने देखा कि मेजरिंग सिलेंडर होता क्या है। फिर उसके अंदर हमने ये देखा कि हमने मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल कैसे करना है और फिर फाइनली आप लोगों ने इसकी मदद से ये देखा कि आप किस तरह एक इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का, सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजरिंग सिलेंडर की मदद से मालूम कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहां पर एंड हुआ। हमारे तकरीबन इस सिलेबस के अंदर जितने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे वो हमने आज खत्म कर लिए हैं, जिसमें आपने सबसे पहले लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, फिर मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, फिर आप लोगों के पास टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि स्टॉपवॉच, और फिर वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको हम मेजरिंग सिलेंडर का नाम देते हैं वो आप लोगों ने पढ़ा। अगर कोई बात आप लोगों ने पूछनी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।